नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आ चुका हूं एशिया के नंबर वन कंप्यूटर मार्केट में। कहाँ है? दिल्ली में है भाई। दिल्ली में कहाँ? नेहरू प्लेस। देख सकते हैं ना, ये पूरा ग्राफिक्स कार्ड का जमावड़ा लगा हुआ है। 1 GB ग्राफिक्स कार्ड मेरे पास है, 2 GB है, 4 GB, 8 GB। बहुत सारे पूछते थे ना कंप्यूटर में गेम खेलने क्या लगाना पड़ेगा, तो आज आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हूँ क्या चीज़। सबसे पहले दिखाता हूँ कि नेहरू प्लेस में जो स्टोर के बारे में, कहाँ स्टोर है, कैसे सारी चीज़, तो उसके एंट्री करेंगे और बात करेंगे यहाँ के एक्सपर्ट से ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। इंटरेस्टेड है, बने लास्ट तक। हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार है कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर, जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंचेगा। चलिए पहले दिखाते हैं दुकान के बारे में, उसके बाद आपको ले आता हूं, फिर बात करता हूं एक्सपर्ट से। चलिए दोस्तों, ये है वो स्टोर जहां पे सिर्फ गेमिंग कार्ड ही मिलते। देखिए, पैंटम P102 बजाज हाउस नेहरू प्लेस नई दिल्ली 19। दिख रहा ना पूरा आपको ग्राफिक्स कार्ड है, ये पूरा जमावड़ लगा हुआ। तो देख लेते हैं नेहरू प्लेस का ये एरिया, उसका लेके चलता हूं आपको अंदर, मैं बात कराता हूं। ये है दिल्ली के अंदर नेहरू प्लेस, ये दिख रहा पूरा भीड़ लगा हुआ ना। अब लेके चलते हैं हम लोग अंदर और दिखाता हूँ मैं ग्राफिक्स कार्ड आपको पूरा पूरा। देखिए, स्टोर एंट्री करते हैं ना, पूरे ग्राफिक्स कार्ड का जमावड़ दिख जाता है यहाँ पे। MSI का ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर है, आसूस का है, गीगाबाइट का, सब रेंज के रखे हुए हैं। कस्टमर आपस में बात कर रहे हैं, कोटेशन चल रहा है। और देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैबिनेट देख सकते हैं, एकदम कलरफुल कैबिनेट ये है ना। ये देखिए पूरा पूरा, और ये पहले पूरा आप देख लीजिए, फिर बात कराता हूँ मैं एक्सपर्ट से। ये अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए जोटेक गेमिंग, पहले मेरे नज़र में ये आया हुआ TUN AGA पड़ा हुआ है। ग्राफिक्स कार्ड ये है 8 GB का ये, और GeForce RTX NVIDIA का है। फिर जोटे का गेमिंग कार्ड है ये हो गया। फिर कंसिस्टेंट का ये मतलब है 1 GB DDR3 ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है। ये देख रहा ना, ये पूरा ग्राफिक्स कार्ड है ये, आपने देख लिया है। अब बात कराएंगे एक्सपर्ट से यहाँ पर और समझने का प्रयास करेंगे सर कौन सा गेमिंग कार्ड लेना चाहिए अपने गेम खेलने के लिए सारी चीज़ें। और देखिए, एक हैवी मशीन यहाँ लगा हुआ है, ये दिखा देता आपको मैं, दिख रहा एकदम पूरा देख लीजिए, ये देख गया। अब चलिए चलते हैं एक्सपोर्ट से, बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कौन सा अच्छा होता है ग्राफिक्स कार्ड, कौन सा लेना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड का रेंज अब बात करते हैं कि सर कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहिए। सर जी, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे मौका मिला नेहरू प्लेस आने का, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके ग्राफिक्स कार्ड पर बताऊँ। सबसे पहले सर अपना नाम बताओ, क्या नाम सर आपका? ये शादाब नाम है मेरा। ये PentumPC स्टोर है, PentumPC स्टोर ये नेहरू प्लेस में है। एड्रेस है इसका 102 बजाज हाउस नेहरू प्लेस। आप जब जस्ट एंटर होंगे, मेट्रो से आएंगे नेहरू क्लिप वाली, तो बैक साइड में ही आपको बजाज हाउस पड़ जाएगा। आप अगर सामने से आते हैं तो नियरेस्ट है सोना स्वीट्स, वहाँ से आके हमको आप कॉल कर लो, वहाँ से इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, समझ गया मैं। अब मान ली मुझसे क्या है ना, जैसे मैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते ये है कि सर हमको गेम खेलने के लिए एक ऐसा कंप्यूटर बताइए जिसके हम जो है कि बड़े बड़े गेम खेल सकते हैं, तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई Core i3, Core i5, Core i7 या AMD का Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 कंप्यूटर लेता है, उसको कौन सा ग्राफिक्स कार्ड रिकमेंड करेंगे, मतलब जो स्टार्टिंग गेम चल जाए? सर पहले तो देखो, कस्टमर का बजट भी देखना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल PC 4 GB ग्राफिक कार्ड ठीक चल जाता है। GTA 5 आपका 1650 आराम से चला लेता है। अच्छा, GTA 5 चल जाता है 1650 में आराम से चल जाता है। मीडियम सेकंड CPU कौन सा उसमें होना चाहिए? तो सर आप लगा लो 3600, लगा लो AMD का, AMD का 3600 लगा लो, मतलब Ryzen 3। अच्छा, आप उसमें सर इंटेल में लगा लो i5 i7 10th generation 1150 ले लो, बेस्ट काम कर जाएगा। 8 GB है ये ग्राफिक कार्ड होता है आपका भैया, 8 GB VRAM के साथ होता है 3050। अच्छे कहाँ से आपका GTA 5 चला लो आप इसमें, अच्छी कहाँ सी सेटिंग्स पे कोई भी गेम। ये मुझे ये बताइए सर कि कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगाना ज़रूरी क्यों होता है? इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा आप बस नॉर्मल काम डिस्प्ले पोर्ट से कर सकते हो। ठीक है, आप जो आपको जैसे लाइक ग्राफिक चाहिए ना सब कुछ, तो सब कुछ इसी से होगा। एक विजुअलिटी जो है ना, वो सारी ग्राफिक कार्ड से आनी, मतलब क्वालिटी से, क्वालिटी विजुअलिटी सब इससे ही आएगा। हाँ, आपका जो डिस्प्ले पोर्ट होता है लाइक, वो ऐसे होता है लाइक आपने ऑफिस वर्क कर लिया, MS ऑफिस चला लिया, जस्ट सिंपल। अच्छा, सिंपल कर लिएगा। अगर आपको गेम खेलना है, आपको हाई डिफिनेशन काम करना, आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। आपके जो ग्राफिक्स, अगर मैं पूछूं, अगर स्टोर के अंदर जो है स्टार्टिंग रेंज ग्राफिक्स कार्ड क्या है? स्टार्टिंग रेंज भैया 2 GB 1 GB आता है। प्राइस के रेंज में बात करूँ तो, प्राइस की रेंज में आप बात करें तो 4000-3500, मतलब 3500-4000 स्टार्ट होता है। मैक्सिमम ग्राफिक्स कार्ड कितने रुपए का आपके पास पड़ा हुआ है? मैक्सिमम भैया, मैक्सिमम लास्ट पड़ा है हमारे पास 220, मतलब 2,20,000 रुपये ग्राफिक्स कार्ड है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कंप्यूटर महंगा आता है, ऐसा नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड ही जो है 2,20,000 रुपये का। आपके पास है क्या सर ऐसे डेमो में? हाँ, कौन? तो देखिए, ये एक ग्राफिक्स कार्ड इनके पास में है, ये GeForce RTX 3090 NVIDIA का है। ये सर कितने रुपये का? ये
ये अप्रोक्सीमेट 2 लाख ही जाता है। 2 लाख रुपये का सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड है, सोचिए ये। तो अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं ना, तो आपको फिर पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। TI वेरिएंट आता है इसमें, वो वो 2 के आसपास होता है। ये जो है आपका, ये नॉर्मल वाला है। हाँ। ये लगभग होगा आपका 180-170 अप्रॉक्स। तो मैं 2 लाख के आसपास, मतलब 10-20 हज़ार के अंदर पड़ेगा। तो ये है, ठीक है। अब ये बताइए, ये वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है, ये कौन से CPU सपोर्ट करेगा ये? सर आप इसमें, ऐसा तो नहीं है कोई स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कुछ भी। आप इसको बस थोड़ा सा बॉटल नेक ना हो, इसके लिए थोड़ा सा हायर एंड होना चाहिए। कौन सा लेना चाहिए आपके हिसाब से? आप सर i7 पे लगा लो। i7 लगा ले, कौन जनरेशन? 10, 11, 12 कोई भी जनरेशन। अच्छा 10, 11, 12 जनरेशन तीनों पे सपोर्ट करेगा ही करेगा ये। बस मदरबोर्ड का पीसीए स्लॉट थोड़ा सा अच्छा हो तो ये है कि चल तो किसी पे भी जाएगा सर। बोटल नेक ना हो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको और चीज़ों पे भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने खाली ग्राफिक कार्ड ले लिया। हाँ। और आपने मतलब 2 लाख का ग्राफिक कार्ड ले लिया। हाँ। और सारी आपकी पूरी 50,000 रुपये की मशीन है, तो वो बोटल नेक कर जाएगा, वो थोड़ा सा दिक्कत वाले काम हो जाएगा। CPU मजबूत हो, मदरबोर्ड मजबूत हो, रैम भी ज़्यादा FSB का हो, कैबिनेट भी अच्छा हो, कुल मिला होल एंड सोल मिला के सब कुछ अच्छा हो, फिर मॉनिटर भी उसका आउटपुट अच्छा होना चाहिए। ये कहने का मतलब है ना? बिल्कुल। अगर मान ली कस्टमर जो 2 लाख रुपये ग्राफिक्स कार्ड लेता है, तो पूरा कंप्यूटर बनाने में जो है 5 लाख रुपये लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। हाँ 5 नहीं तो 4 तो लगते हैं। 4 लग जाता है। आपने कंप्यूटर असेंबल कभी किया होगा? मैक्सिमम कितने रुपये प्राइस करा होगा? अभी भैया लास्ट टाइम ही किया है, अभी 1-2 दिन हुए शायद, तो वो 5.5 लाख के आसपास। 5.5 लाख रुपये कंप्यूटर असेंबल के? TI के साथ था वो, 2 लाख का उसका ग्राफिक कार्ड था, 2 लाख अप्रॉक्स। आपको याद है क्या क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन था? कॉन्फ़िगरेशन भैया उसका वही i9 12th जनरेशन। i9 मतलब इंटेल का i9 था, 12th जनरेशन। रैम कितना सा था? रैम था सर उसका 32 की 4 स्टिक्स था उसमें। अच्छा 32 128 GB का रैम था उसके। दोस्तों सोचिए जरा, कोर i9 था 12th जनरेशन, 128 GB का रैम था, 32 GB का 4 स्टिक, और किसका कितने FSB का था वो? ये था आपका 3600 MHz 3600 MHz का था। ये हो चुका है, हार्ड डिस्क क्या लगाया था उसमें? NVMe सर उसमें 2 TB तो NVMe था सैमसंग का, 2 TB NVMe था सैमसंग का, और आपका 4 TB नॉर्मल हार्ड ड्राइव था। 4 TB नॉर्मल हार्ड डिस्क था, जो आपका जो सैमसंग का वाला था उसमें, मतलब आपका NVMe हो गया और वो आपका हो गया नॉर्मल हार्ड डिस्क का हो गया, तो ये हो गया। और आपने जो उसके साथ में कौन सा वो दिया हुआ था, स्क्रीन कौन सा दिया था आपने? स्क्रीन था सर उसमें अल्ट्रा, एक बता दी याद ना, मोटा मोटी LG का होता है 240 Hz में। हाँ। वो मॉनिटर कितने रुपये का होगा? वो मॉनिटर सर आपका 26 के आसपास 26 का मॉनिटर होगा। और कैबिनेट कौन सा दिया था आपने? कैबिनेट सर TD500 मैश। किस कंपनी का? कूलर मास्टर का। SMBS भी कूलर मास्टर का? SMBS का कूलर मास्टर। देख रहे हैं 5-5 लाख रुपए का कंप्यूटर असेंबल होता था दिल्ली के नेहरू प्लेस के अंदर है। और देख सकते हैं ये हमारे हाथ में जो है 2 TB का ग्राफिक्स कार्ड दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए, ये आपका एपरेक्स कंपनी का है, जोटेक का है, कंसिस्टेंट का है, ये सब कंपनी का है ना। तो अब दिखाना बताने से भी चाहता था कि मैं भी लखनऊ, मतलब यहाँ दिल्ली में घूम रहा था ना, तो मैं भी सोच रहा था कि ग्राफिक्स कार्ड का दुकान कहाँ मिल जाए, तो खोजते खोजते मुझे फैंटम का दुकान मिल गया ये। और ये सब मेनली ग्राफिक्स कार्ड काम करते हैं। तो अब जो भाई ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहते हैं, इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ क्लिक करके इनके फ़ोन नंबर पर फ़ोन कोई करेगा सर तो आप दे सकते हैं। और हाँ सर एक बार बता दीजिए, मान लीजिए कोई वीडियो देख करके ग्राफिक्स कार्ड लेने की इच्छुक होता है, वो फ़ोन करता आपको डिटेल मांगना चाहता, क्या फ़ोन पर आप डिटेल बताते पूरा? हम भाई फुल्ली डिटेल्स देते हैं, हम व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वाई कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। हाँ। बस ये होता है कि आपको जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। पहले कोई जो है ना आपको फ़ोन करेगा, पहले तो जाने उसके बारे में सर, क्या क्या सपोर्ट करें, क्या नहीं कर, जो भी उसको मेरी जो चाहिए, छोटी मोटी बड़ी कैसी, आप सब बताते फोन को, हम सब बताते फोन बता देते हैं पूरा। आप बताइए कि मान लो किसी को ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, इंटरनेट पर देख लिया, उसको ऑर्डर करना हुआ, कैसे ऑर्डर कर सकता आपको? सर बाय नंबर फ़ोन पे ऑर्डर कर सकता है। पेमेंट का मोड क्या होता है सर आपका? सर पेमेंट का मोड तो देखो दूर से है तो UPI होता है सर, 100% UPI होता है फर्स्ट टाइम। 100% UPI होता है, मतलब आपका मतलब पेमेंट मोड है, जैसे पहले पेमेंट करेगा उसके बाद माल डिलीवरी करेंगे। मान लीजिए कि कोई लखनऊ से करता है, कोई गोरखपुर से करता है, कितना टाइम लेते हैं मोटा मोटी? सर मोटा मोटी सर कुरियर पर डिपेंड होता है, 1-2 दिन लगता ही लगता है सर। 1-2 दिन लगता है लगता है। अगर कोई पूछे अगर स्टॉक आपके पास नहीं पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद आप मैनेज करते हैं स्टॉक? कभी कोई ग्राफिक्स कार्ड आपके पास ना पड़ा हो? सर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है कि कोई स्टॉक ना हो। अच्छा आपके सब मैक्सिमम मिल जाते हैं? हमारे पास मैक्सिमम सब होते हैं। हाँ। कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है यहाँ पे जो ना हो। हाँ। सब अंदर रखे हुए हैं, इधर पीछे रखे हुए हैं, सब मिल जाते हैं। हाँ। एक जो पूछूंगा, नेहरू प्लेस इतना बड़ा मार्केट है, ये ग्राफिक्स कार्ड के मुकाबले में आप सबसे बड़े दुकानदार हैं क्या? क्या हो तो एक बार ऐसे तो सबसे बड़े तो नहीं है, बट ये है कि जो स्टॉक है एनवीडिया का वो सब हमारे पास अवेलेबल है। एनवीडिया का और किस ब्रांड का आप करते हैं वैसे मोनी? सर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, जैसे आसूस का आपके पास है, जोटेक का आपके पास है, हर कंपनी का स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा स्पेसिफिक है, मतलब कोई ब्रांड आपको कस्टमर चाहिए आप दे देंगे उसको, जो ब्रांड चाहिए जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो हमें बताएं, हम उसके हिसाब से आपको चीज़ देंगे।
ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग गेम खेलने के शौकीन होते हैं, बहुत सारे लोग जो वीडियो एडिटिंग करने के शौकीन होते हैं, उनको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, तो मैंने दुकान का एड्रेस बता दिया। पता करके अगर आपको चाहिए होगा तो भैया से मिलिएगा, उनको फ़ोन करिएगा। सर का फोन नंबर बताएँ क्या एक बार आप? फ़ोन नंबर भैया होता है हमारा 7827 1631 61। मैं नंबर नोट भी कर दूंगा आपको, ध्यान दीजिएगा उसको आप। ये होता है पैंटम पीसी के नाम से। अच्छा, पैंटम पीसी के नाम से होता है, इस पर आप फोन करके कर सकते दोस्तों। तो वीडियो बना के मैंने दिखा दिया आपको नेहरू प्लेस के अंदर बड़ी दुकान के बारे में। अगर वीडियो पसंद आपको आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और ग्राफिक्स कार्ड यही से खरीदिएगा दोस्तों। चलिए आप सब लोग को, हाँ सर एक चीज़ लास्ट में और पूछ लूँगा मैं आपको, आपने ग्राफिक्स कार्ड दे दिया, कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो सर्विस कहाँ से मिलेगा उसका? सर विद इन अ वीक अगर कोई ग्राफिक कार्ड में प्रॉब्लम ऐसा आता है तो लाइक हम उसमें सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर ऐसा कोई मंथली के बाद अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो सर वो सर्विस सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया में सर्विस सेंटर होता है तो सपोर्ट मिल जाता है। हाँ सर, मतलब अगर बाय चांस हमसे सपोर्ट चाहिए थोड़ा वो, हाँ, कि आप बात कर लो ये कर लो, तो हम वो करते हैं। बाकी जो ओवर हैंड होता है वो कस्टमर का ही होता है। ठीक है, मैं समझ गया, नीड है कि हमारी जरूरत है तो हम वहाँ पे हैं। ठीक है, ये समझ चुका हूँ। अब एक और मैटर फंसता है कि जब कस्टमर को सामान लेने जाता है ना तो रेट जो कि आप मैच करते हैं, आजकल बहुत सारी इंटरनेट पर साइटें हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं, बहुत सारी साइट है उसमें जब कंपेयर करता है तो उनके रेट में आपके रेट में अंतर आता है कि आपका रेट बेटर होता है? सर डिपेंड है सर किस चीज़ का है। हाँ, बेटर तो नहीं कह सकते, बेटर हाँ, भी है कहीं जगह ज़्यादा भी है, बट यह है कि बेटर देने की कोशिश करें, बेटर देने की कोशिश हाँ, करते हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आजमाइएगा इनको भी आप, है तो मैंने बता दिया ना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करें। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच सर।